आज हम एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करेंगे जो पेट के किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है। आज हम कैप्सूल पेंटोप डीएसआर के बारे में बात करेंगे। कैप्सूल पेंटोप डीएसआर क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह के और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। पेंटोप डीएसआर एक ऐसा कैप्सूल है जो पेट में जाते ही बहुत ही फास्ट काम करता है। ये सस्टेन रिलीज कैप्सूल है। ये एक कैप्सूल पूरे 24 घंटे के लिए आपकी पेट की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये मेरे हाथ में पेंटोप डीएसआर कैप्सूल है। ये एक पेंटोप डीएसआर का ब्रांड नेम दिया गया है। ये बताएगा इसमें क्या क्या कंटेंट है। ये एक सस्टेन रिलीज कैप्सूल है। चलिए इसके कंपनी के बारे में बात करें तो ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो पेंटाप्राजोल सोडियम होता है इसमें 40 mg, और एक टैबलेट फॉर्म में भी है इसमें पेंटाप्राजोल टैबलेट 20 mg। तो ये जो 20 mg टैबलेट है ये सस्टेन रिलीज है, जो बहुत ही फास्ट काम करती है पेट में जाते से, और इसमें डोमप्रिडोन होता है 30 mg। तो इस तरह से इसमें कंटेंट है पेट की प्रॉब्लम के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए इसमें कंटेंट दिए गए। चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है एमआरपी के बारे में बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है जून 2018, जो मेरे पास में जो कैप्सूल, और इसकी एक्सपायरी है मई 2020, और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 112 रुपये के 10 कैप्सूल है। थोड़े से महंगे ज़रूर है अदर कैप्सूल की अपेक्षा, लेकिन ये जो ब्रांड नेम की बात करें तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही फास्ट रिलीफ देता है ये कैप्सूल। तो इस तरह से आपके पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी पैकिंग की बात करें तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, और ये इसकी जो एलो पैकिंग में आता है ये कैप्सूल, और इसके ऊपर सारे कैप्सूलों पर पेंटोप डीएसआर कैप्सूल लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये इसकी पैकिंग दी गई है, इसकी पैकिंग काफी अच्छी है। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपके गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी की प्रॉब्लम रहती है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपको पेट बहुत ज़्यादा फूलता है कुछ खाना खाने के कारण या कुछ भी खाने के कारण में, तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। आपके पेट में सूजन की प्रॉब्लम रहती है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं रहता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। तो गैस बनने की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपकी कोई एंटीबायोटिक टैबलेट या फिर किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ में आप कोई पेंटाप्राजोल कैप्सूल नहीं ले रहे हैं तो आप इस कैप्सूल का यूज करें, नहीं तो आपको गैस बनने की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप इस तरह से इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो आपको केवल सुबह खाली पेट एक कैप्सूल का यूज करना है। ये 24 घंटे में एक ही कैप्सूल का आपको सादा पानी से यूज करना है। तो आप इस तरह से इस कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको किसी तरह की चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको पेट से संबंधित, कब्ज से संबंधित प्रॉब्लम या गैस से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस कैप्सूल का बेझिझक यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।